हेलो एवरीवन आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं सी यू ई टी के यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में समझने के लिए आपके पास होगा आपने इंटरनेट पे देखा होगा बहुत सा आपके पास मटेरियल है लेकिन आपके साथ साथ आपके साथ बोर्ड भी चल रहा है सो हेयर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज़ टू क्या नई चीज़ें हैं सी -E के लिए जो आपको करने हैं क्योंकि लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो सी बी एस ई ने कुछ एक चैप्टर्स माइनस किए थे लेकिन सी यू ई टी एग्ज़ाम में वो चैप्टर्स के भी एक ही दो क्वेश्चन लेकिन आए थे सो लेट्स क्लियर द डाउट हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग आगे बात करते हैं कि सी यू ई टी साइकोलॉजी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यू जी सिलेबस में क्या आने वाला है साइकोलॉजी को लेकर के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको ये तो पता है कई जगह आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है लेकिन कैसे पढ़ना है कितना टाइम हमारे पास बचा है और इसका रोड मैप कैसे हम तैयार करें ये सब हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं बीच बीच में आपके जो भी कमेंट्स या आपके क्वेरीज होंगे उनको भी हम टेकअप uh, करने की कोशिश करेंगे तो अभी हम लोग बात करते हैं अगर साइकोलॉजी सिलेबस की तो साइकोलॉजी में आपका यूनिट वन आप देखेंगे अगर सी में एज़ इट इज़ दिया हुआ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सो वेन It is, it talks that it aims to study how people differ. So, people differ in terms of their intelligence, their aptitude, their attitude, their basic interests, and their value system. This particular syllabus does not talk about in detail. कि कौन सी इंटेलिजेंस को आपको पढ़ना है इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट कौन सी थेरीज इसमें इंक्लूड करनी है आपको और इसको कैसे ये इवॉल्व हुआ इसकी हिस्ट्री लेकिन अगर आप इसको आई uh, के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो उनका जो फर्स्ट चैप्टर है इट टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस एंड इट टॉक्स अबाउट डिटेल ऑफ डिफरेंट थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर की थेरी है उसमें गिल्फर थेरी है उसमें ये सारी थेरीज़ कहाँ से आ रही हैं किसने कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोपाउंड किया है और उस थेरी को कैसे हम इंक्लूड करें क्योंकि बेसिकली आपका यहाँ पे जो CUET यू में टेस्ट भी होने जा रहा है ये आपका नॉलेज बेस भी है केवल लर्निंग नहीं है आपके पास कितना नॉलेज है ये भी हम लेंगे उसका एप्लीकेशन भी देखना होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी है या नहीं है तो उस अंडरस्टैंडिंग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए ये केवल एक तरह से आपको ब्रॉडर फ्रेमवर्क दिया गया है लेकिन इस फ्रेमवर्क के अंदर जो छोटे छोटे पज़ल्स हैं जो इंक्लूड करने हैं दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन सो दैट इज हाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड कमिंग टू नेक्स्ट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी जो आदमी की है वो कैसे बनी है Or because it, it talks about your individual self, so it will be talking about what is self, how self evolved though it is not very clearly mentioned over there. it simply says it focuses on the study of self and personality in the context of different approaches in an effort to appraise the person. So what are the approaches? There are a number of approaches, starting from classical neoclassical, then uh, you have to go uh, psychodynamic cognitive approach it may be your social learning approach so uh, and then there will be interactional approach so what all approaches you need to undergo to understand the self and personality has to be the part of this particular unit Mo moving forward नाउ यू सी दैट इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलैिटी मेजर अप्रोचेज टाइप एंड ट्रेड थियोरी एलपोर्ट थियोरी साइकोडानेमिक ह्यूमिनिस्टिक बिहेवियर कल्चरल ऑल टाइप ऑफ असेसमेंट हाउ द पर्सनैलिटी कैन भी असेस्ड हाउ द इंटेजेंस कैन भी असेस्ड वॉट टाइप ऑफ टेस्ट कैन भी अप्लाइड ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस एंड ऑन ग्रुप बेसिस दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज जो आपके एम सी क्यूज होंगे उसमें इस तरह के नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं और उसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड भी हो सकता है और इसमें एक जो टाइम लाइन होती है कि ये पहले आया या ये पहले आया उसमें मैचिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं तो इससे ही हम लोग आगे इसी तरह से इनपुट्स लेकर के आगे बढ़ेंगे और यूनिट थ्री टॉक्स अबाउट मीटिंग लाइफ चैलेंजेस सो व्हाट आर द चैलेंजेस एज इट इज़ राइट नाउ तो आपके पास चैलेंज ये है कि प्री बोर्ड भी चल रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है बोर्ड अलग तैयार खड़ा है आपको ऊपर से बैंक करने के लिए और सी यू ई टी ये तो है ही है क्योंकि सी यू ई टी मेजरली सारे स्टूडेंट कुछ लोग इसको फर्स्ट ऑप्शन भी मान करके चलते हैं कुछ इसको अपना जैसे नीट भी दे रहे हैं जे ही दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ सी ऊटी भी वो दे रहे हैं सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर विच मे बी फॉलिंग इन द लेवल ऑफ चैलेंजेस हाउ टू मीट इट अप सो बींग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई एम प्री श्योर अगर आप इसको केवल पढ़ने के लिए ना पढ़े समझ के पढ़ें तो ये आपको हेल्पफुल भी होगा ये बात करता है कि कैसे हमारे स्ट्रेसर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे बात करता है नेचर ऑफ स्ट्रेस एंड हाउ रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस स्ट्रेस है क्या कहाँ से आया किस तरह का होता है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है स्ट्रेस के मैनेजमेंट और स्ट्रेस के प्रिवेंशन दो अलग अलग चीज़ें हैं ये भी आपके इसमें इंक्लूड आते हैं स्ट्रैटेजी टू कोप विद स्ट्रेस विल आल्सो बी डेल्ट विद नेचर टाइट एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ एंड कोपिंग विद स्ट्रेस क्योंकि आजकल के ज़माने में जो डेटा बताता है जो डब्ल्यू एच ओ का डेटा है उसके हिसाब से मेंटल डिसऑर्डर स्ट्रेस एंड यू नो डिप्रेशन इज़ कर्बिंग द होल यूनिवर्स सो वी नीड टू वर्क अपॉन इट लेकिन इसके एप्लीकेशन पार्ट भी और इसका करेंट सिनैरियो भी क्या है अगर आप इसको कोरिनेट करके चलेंगे थिंग्स विल भी बेटर फॉर यू सो हम uh, इसी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड आई मस्ट टेल यू कि जो आपका चैप्टर वन है इस्पेशली चैप्टर वन चैप्टर टू एंड देन डिसऑर्डर ये एक बहुत मेजर चंक आपके सी यू ई टी एग्जाम पैटर्न में दिखाई पड़ा है जो प्रीवियस ईयर के दो ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं अगर आप उनको चेक करें तो ऑलमोस्ट सिक्स टू एट एम सी क्यू इन तीन चैप्टर हर एक चैप्टर से इंडिविजुअली आ रहा है तो मीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ लाइफ चैलेंजेस से भी क्वेश्चंस हैं कोई भी पार्ट uh, ऐसा नहीं है जो छूटा है आपके ऑप्शन यह होगा कि 50 में से जो 40 आपको करने हैं वो किस पर्टिकुलर पोर्शन से ज़्यादा स्ट्रांगली आप तैयार कर सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वेरी डिटेल्ड एज वेल वॉट वॉट इज डिसडर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर द पैराम डायमेंशन ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसऑर्डर सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर द कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर्स

वॉट इज़ द डिफरेंस between एंगजाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बिकॉज many अ टाइम यंगस्टर्स के साथ क्या है कुछ नया वर्ड आया है तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज करना ही है तो स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है क्योंकि आप अगर कॉजेस को समझ पाएंगे तो उसकी डीलिंग भी कर पाएंगे इसी तरह से एंग्जाइटी हो गई सोमैथिक डिसऑर्डर्स डिसोसिएथिक डिसऑर्डर्स मूड डिसऑर्डर्स सीजोफ्रिनिक डिसऑर्डर्स डेवलपमेंटल एंड बेहेविरल सब्सटेंस यूज रिलेटेड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर एज यू आर सींग दिस इज नॉट ओनली दिस इज़ जस्ट अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पजल्स हैं और उन छोटे छोटे पजल्स से बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि जो आपके लास्ट टू ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपको बताएं कि पूरा एक कॉम्प्रीमेंशन दिया है लास्ट में दोनों ही ईयर में पूरे कॉम्प्रीहेंशन को दे करके दो दो पैर का कॉम्प्रीहेंशन देने के बाद उसी पे बेस पाँच छः क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो और अलग से एमसीक्यूज भी हैं तो ओवरऑल अगर डिसऑर्डर को हम देखें तो ऑलमोस्ट टेन क्वेश्चन आपके डिसऑर्डर से आते हैं पिछले दो साल में आए हैं राइट right? एंड uh, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं विल बी गोइंग टू थेरेप्यूटी के अप्रोचेज नाउ हमने बेसिक में क्या समझा कौन कौन सी अप्रोच, अप्रोचेज़ हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए वही अप्रोचेज पर्सनालिटी डिफरेंसेस को समझने में यूज़ करेंगे वही अप्रोचेज कैसे डिसऑर्डर को डिफ़ाइन करते हैं इसको हम यूज़ करेंगे और उन्हीं अप्रोचेस को यूज़ करते हुए क्या क्या थेरेपिटिक आस्पेक्ट्स uh, हैं आपके पास ऑप्शंस हैं आपके पास उसके बारे में बात करेंगे जैसे हम अगर ह्यूमनिस्टिक uh, अप्रोच की बात करें एग्जिस्टेंशियल अप्रोच की बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट कॉगनेटिव अप्रोच इफ यू टॉक अबाउट बायोसाइकोसोशल अप्रोच तो हर अप्रोच ने अपना एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर दिया है कि हमें पर्सनालिटी को या इस, आ, किसी आदमी को समझने के लिए क्या हमें देखना चाहिए उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स uh, हैं तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और उन रीज़न को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर आप सी में देखेंगे तो इसको भी अच्छा खासा एक वेटेज मिला है अपार्ट फ्रॉम चैप्टर वन टू फोर एंड दिस इज़ द फिफ्थ वन एंड देन अभी तक हम लोग थोड़ा सा ये क्लिनिकल आस्पेक्ट और पर्सनैलिटी आस्पेक्ट पर बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये हमारा सोशल साइकोलॉजी से है तो सोशल साइकोलॉजी मतलब जैसे हम कहते हैं कि अ मैन डज नॉट बिहेव एज अ मैन व्हेन ही इज इन अ ग्रुप देन ही हैज़ टू बिहेव एज अज मेंबर ऑफ़ द ग्रुप आप ग्रुप को छोड़ करके अलग नहीं रह सकते तो ये ग्रुप क्या है सोशल कॉग्निशन क्या है कैसे ग्रुप हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है कैसे एटीट्यूड चेंज में हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हमारा मैसकॉम का भी है कैसे मैसकॉम ने हमारी थाट प्रोसेस को ओवर द टाइम चेंज किया पिछले पाँच छः साल में या कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा बहुत कुछ इसमें वेरिएशन आए हैं तो एटीट्यूड क्या है हम कहते हैं दूसरे के लिए बड़ी ईजली कह देते हैं उसको बड़ा एटीट्यूड है तो है क्या एटीट्यूड और अगर आप समझेंगे एटीट्यूड क्या है कैसे फॉर्म होता है कैसे एक अच्छा एटीट्यूड आपके आगे के लिए हेल्पफुल हो सकता है सो नॉट ओनली सी यू ए इट विल बी टेकिंग यू टू माइल्स राइट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन एंड उसी के साथ जैसे हमने इसमें बात करी स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं uh, क्या uh, कॉग्निटिव एरर्स क्या होते हैं कैसे हमारे uh, अपने परसेप्शन कैसे डेवलप करते हैं किसी चीज़ को लेकर के किसी आदमी को लेकर के तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें इस पोर्शन इस पे आने वाली हैं फर्दर विल बी मूविंग अगेन टू द सोशल साइकोलॉजी ओनली जिसमें हम सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या है आपका ये yes. सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस की बात अगर करें तो दिस यूनिट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप ग्रुप क्या है टीम क्या है हम लोग मैन इज़ अ सोशल एनिमल राइट तो हमारे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भले ही तीन लोग हो लेकिन एक ग्रुप हो तो सोशल क्योंकि सोशल नीड हमारी बहुत स्ट्रांग होती है और उस सोशल इन्फ्लुएंस उस सोसाइटी का हमारे अपने बिहेवियर पे हमारे अपने उठने बैठने सोचने समझने के तरीके में कैसे चेंजेस आते हैं ये हम लोग बात करेंगे इस यूनिट में विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप ग्रुप है क्या फंक्शन क्या होते हैं कैसे ग्रुप बनते हैं कैसे स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन होता है डिफरेंट कॉन्फ और जब ग्रुप होता है मानी बात है चार लोग हैं और चारों के क्योंकि अलग ये एक जो ग्रुप आपका है भी तो ये भी हैट्रोजीनियस ग्रुप है जिसमें अलग अलग माइंडसेट uh, uh, के लोग हैं अलग कल्चरल से कल्चर uh, से लोग हैं अलग रिलीजन के लोग हैं अलग बोर्ड के लोग हैं अलग जेंडर हैं तो इतना कुछ वेरिएशन होता है कि थिंक बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना आ, लाजमी है और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए व्हाट आर द द्रैटीज दिस ऑल कैन बी टॉक् एट लेंथ इन दिस इट विल टॉकिंग अबाउट हाउ ओबीडियंस एंड इज डिफरेंट फ्राम कन्फॉर्मिटी एंड कंप्लाइंस हाउ टू मेक द पीपल कोऑपरेट टू रीच टू योर सुपरऑर्डिनेट गोल कैसे हम अपनी चीज़ों को तैयार करें कैसे हम ग्रुप को अपने ही अपने लिए भी कैसे हम हमारे लिए वो ग्रुप एक फैसिलिटेटर की तरह से काम करें इसकी अंडरस्टैंडिंग इस यूनिट में आती है आपको देन साइकोलॉजी एंड लाइफ दैट इज द अप्लाइड साइकोलॉजी क्योंकि साइकोलॉजी का स्कोप है बहुत स्कोप है आपने चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास इलेवेंथ में था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी नाउ इट विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे चेंजेस हुए जैसे ऑल ऑफ ए सडन जो कोविड आया कोविड के बाद से एकदम से साइकोलॉजिस्ट की जरूरत साइकेट्रिस्ट की जरूरत हीलर्स प्रैक्टिशनर्स इन सब की जरूरत पड़ने लगी क्यों क्योंकि अगर हम बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे जाएं तो फिलोसफी और साइकोलॉजी मेरे ख्याल से सबसे पुराना साइकोलॉजी बाद में इवॉल्व हुआ फिलोसफी से लेकिन फ़िलोसफी की तरफ हमने हमें कोविड ने एक एक तरह से एक धक्का दिया एक जोड़ दिया कि आप कर क्या रहे हो क्या कहाँ भागे जा रहे हो अल्टीमेटली वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ लाइफ सो दिस इज साइकोलॉजी ऑफ लाइफ कि हम कैसे साइकोलॉजी को डिफरेंट आस्पेक्ट पे स्कूल पे काउंसलिंग पे कॉलेज uh, पे टीन के लिए जूरियाटिक पॉपुलेशन के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए करियर पाथ डिज़ाइन करने के लिए कैसे हम इस चीज़ को यूज़ uh, कर सकते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे uh, uh, जो स्ट्रेस है वो है नॉइज पोल्यूशन पे क्राउडिंग एंड नेचुरल डिजास्टर्स सब चीज़ें हो रही हैं तो जितना चीज़ें हम अपने नेचर से भाग रहे हैं या नेचर में जितना तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं उतनी तेजी तेज़ी से हमारे ऊपर प्रेशर होता जा रहा है और लोगों पे प्रेशर होने के साथ साथ उनके पास और भी डायमेंशन हैं लाइफ में तो कोपअप करना कई भी कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैसे उसमें आप एज अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं इसकी बात करी जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंड देन जब आपकी ज़रूरत है मार्केट में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है साइकोलॉजी अभी भी हम जो पुराने उसमें डेटा देखते हैं सी का डेटा ही कहता है कि साइकोलॉजी में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है इंक्रीज ड्रास्टिकली तो साइकोलॉजी को हर आदमी पढ़ना चाहता है एक ट्राई करना चाहता है और बहुत कुछ ज्ञान अपने लिए भी और दूसरों के लिए बांटना देने के लिए भी तत्पर है हर आदमी तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है कैसे आप कौन सी स्किल ज़रूरत है आपकी कैसे आप अपने स्किल को वो डेवलप करें और ये यूनिट आपको इफेक्टिव साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स तो बताती है साथ में इट टॉक्स अबाउट द एथिक्स ऑल्सो क्योंकि वॉट एवर यू डू इट हैज टू बी हैव अ यू नो लीगल प्रोटोकॉल एंड ऑल सो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट कि आप अभी पढ़ करके आप साइकोलॉजी आपने समझ लिया एग्जाइटी ये होती है डिल्यूजन ये होता है तो मैं हेल्यूसिनेशन होता हूँ डू नॉट डिक्लेयर इट राइट दे आर सर्टन एथिक्स टू बी फॉलोड सो इट विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड हाउ टू यूज दोकिल्स एंड बिलीव मी ये जो स्किल्स हैं आपकी अगर आप इस पर काम करते हैं तो ये आपकी स्किल्स आप अगर इसको डिटेल में पढ़ें इंटरव्यू स्किल टेस्टिंग स्किल काउंसलिंग स्किल एम्पेथी ऑथेंटिसिटी रिगार्ड कम्युनिकेशन स्किल कौन सा एरिया है जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है सभी जगह पर राइट तो ये आपका ओवरऑल मतलब साइकोलॉजी आप सी यू टी करें बहुत अच्छी बात है लेकिन आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे पढ़ ही रहे हैं आपने ऑप्ट किया है तो आपके ज़रूर कुछ एस्पिरेशंस होंगे कि आप इस लाइन में आगे जाएं सो वी आर हेयर यू स्टे कनेक्टेड विल आपको अभी तक हमने ये बताया है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप हमारे साथ रहेंगे विल लेट यू नो एस टू साइकोलॉजिकली वॉट आर द स्ट्रैटेजीज़ यू कैन यूज़ in your academic planning. Thank you so much.